हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ ब्लॉग। होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सुबह से बारिश हो रहा था, एक छोटे से बाइक राइड के लिए निकला, बस बारिश में भीगना था, यही पर्पस था। कोई स्पेसिफिक माइंड में डेस्टिनेशन नहीं है, जस्ट मैं घर के आसपास ही रहूँगा। बट येस, एक बाइक राइड का एक्सपीरियंस लेना था रेनी सीजन में। बारिश लिटरली बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो व्हाइल आई वॉज राइडिंग माई बाइक आई वॉज रियली इन्जॉइंग माई राइड। तो सडनली सामने एक ऐसा इंसिडेंट आया विच शेकन मी। तो मैं चाहता हूँ पहले आप वो इंसिडेंट देखो, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। साइड ले लो, साइड ले लो, पहले साइड ले लो। इधर का प्रॉब्लम है, साइड ले लो। करे और ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे आगे भी बहुत सारे खड्डे, आपको पता होगा। लगा नहीं ना? नहीं नहीं, लगा नहीं। क्या हो गया, स्टार्ट नहीं हो रहा है क्या? सो ये था वो इंसिडेंट जो मुझे हिला दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज इनका डे था, आज इनका लिटरली डे था। और जो ये लोग बच गए वो पूरा ऑलमोस्ट कितना क्लोज था। और वो कॉलेज वाला जो ड्राइवर था पीछे, इनके फोर व्हीलर था, उसने बहुत कंट्रीब्यूशन किया इनकी जान बचाने में। अगर आप वीडियो प्रॉपरली देखोगे, उसने व्हीकल को प्रॉपर राइट साइड में ले लिया सो दैट किसी को हार्म ना हो। और लिटरली वो सब स्पीड में थे और वो कंट्रोल करके साइड में ले लिया। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता तो कुछ बुरा होता, बट थैंक्स टू गॉड ये दोनों बच गए। ये इंसिडेंट के बाद सडनली एक और इंसिडेंट सामने आ गया, वो नेचुरल इंसिडेंट आप कह सकते हो ड्यू टू लैंड स्लाइडिंग एंड ऑल। तो ये देखो सामने ऑलमोस्ट ऐसा फील हुआ कि ऊपर से किसी ने पत्थर गिरा है, बट इतनी ज़ोर से बारिश आ रही है, लैंड स्लाइड हो गया वहाँ पे। भले वो छोटा सा था बट स्टिल वो बाइकर्स के लिए रिस्की होता है, क्योंकि सडनली इतने ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स आपके सामने आ जाएंगे तो डेफिनेटली टायर स्लिप होने या तो क्रॉस गिरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सो व्हाट यू गाइस हैव टू से ऑन दिस टू इंसिडेंट, भले यहाँ पे कैजुअलिटी नहीं हुआ बट यस 100% रिस्क था यहाँ पे। तो सेकेंड इंसिडेंट को मैं कंसिडर कर सकता हूँ, वो नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से हुआ है। इतनी हैवी रेन में लैंड स्लाइडिंग होता ही है, नो डाउट। बट हाउ अबाउट द फर्स्ट इंसिडेंट? फर्स्ट इंसिडेंट के बाद आप सभी को लगता होगा रोड्स आर रिस्की, बट मेरा ओपिनियन ये है रोड रिस्की नहीं है। अंटी अनलेस अगर रोड प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड है तो रोड रिस्की नहीं रहेगा। बट प्रॉब्लम यह होता है यहाँ पे एवरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर आपको बीच रास्ते में इतने बड़े पॉटहोल्स हो जाते हैं जिससे एक्सीडेंट के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट नंबर 1, एक्सीडेंट नंबर 2। वो दोनों की गलती नहीं थी, वो जस्ट अपना लेन पकड़ के अपने डायरेक्शन से जा रहे थे, बट उनको सामने सडनली पॉट होल मिला जो सडनली डीप खड्डा था, तो उनकी बाइक सस्टेन नहीं कर पाया और वहाँ पे टायर उनका ब्लॉक हो गया, वो इमीजिएटली मेन रास्ते पे गिर गए नीचे। तो ये उनकी गलती नहीं थी, बट यस ये गलती किसी ना किसी की थी, समबडी हैज़ टू टेक दिस ब्लेम। रोड की गलती थी बट यस रोड के पीछे जो भी बंदा था जिसने कंस्ट्रक्ट किया था, जो भी था, वॉट एवर इज द रीज़न, बट यस समबडी हैज़ टू टेक द ब्लेम। वी कैनॉट डू मच, अपने हाथ में कुछ है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को केयरफुली ड्राइव कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके ड्राइव कर सकते हैं, बट यस समबडी हैज़ टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा कंसर्न ये है कि हम एवरी ईयर्स हम रोड के पॉट होल्स फिल करते हैं और वापस से ख़राब होता है, वापस से फिल करते हैं। एवरी ईयर ये सेम रिपीटेड हो रहा है, ऑलमोस्ट मैं 10 साल से बाइक चला रहा हूँ और ये हर बार मैंने नोटिस किया है। एक एग्जांपल आरए कॉलोनी का ले लो, अभी रिसेंटली मतलब 1 साल 1.5 साल पहले प्रॉपरली आरए कॉलोनी रिपेयर किया था, पूरा इनोग्रेशन भी हुआ था वहाँ पे,
बट आफ्टर वन ईयर और सिक्स मंथ वो लिटरली वहाँ पे इतने सारे पोर्टल्स हो गए, इट्स जस्ट लाइक अ वेस्ट ऑफ मनी. सो ये टेम्प्ररी सोल्यूशन क्यों है? वाई कैंट वी हैव अ परमानेंट सोल्यूशन ऑन दिस रोड? दैट्स ऑल फॉर टूडेज वीडियो. आई एम नॉट हियर टू रेज अ फॉल्स अलार्म. जो भी था आपके सामने था, मैं अपना जस्ट ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ. डेफिनेटली यू मस्ट बी हैविंग योर ओपिनियंस, तो डू लेट मी नो योर ओपिनियंस ओवर कमेंट. एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. दिस इज आकाश गौर.